नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज जो बीपी की समस्या है, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज यानी कि शुगर की समस्या है, वो 80% कंडीशनल समस्या है। कंडीशनल समस्या का मतलब क्या होता है? कंडीशनल समस्या का मतलब कि वो बीमारी नहीं है, वो किसी ना किसी वजह से बीमारी बन गई है। और अगर हम उस कंडीशन को, जिस कंडीशन के कारण से ये समस्याएं आ गई हैं, उस कंडीशन को ठीक कर दें तो ये दोनों ही समस्याएं ठीक हो सकती हैं। वरना एलोपैथी के हिसाब से, अंग्रेजी मेडिसिन के हिसाब से, आपको लाइफ टाइम इन मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए कहा जाता है। यानी कि अगर आपने शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं तो लाइफ टाइम आपको शुगर की मेडिसिन लेनी है। अगर आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं तो लाइफ टाइम आपको बीपी की मेडिसिन लेनी है, जबकि ये समस्याएं आपकी ठीक हो सकती हैं। अब कंडीशनल बीपी क्या है कि आपकी दिनचर्या, आपके रहन सहन, आपके डेली रूटीन में इतना ज्यादा तनाव हो गया है, उस तनाव के कारण से आपके शरीर स्ट्रेस में चला गया है, आपके शरीर एक इरिटेशन की कंडीशन में चला गया है, आपका शरीर हेडेक की कंडीशन में चला गया है, आपका शरीर पेन की कंडीशन में चला गया है, और उस पेन, इरिटेशन, स्ट्रेस के कारण से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ही गड़बड़ हो चुके हैं। वो सिस्टम गड़बड़ हो चुका है जो आपके लिए हैप्पीनेस हार्मोन्स को बनाते हैं। हैप्पीनेस हार्मोन्स आपका ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, नॉर एंडोर्फिन यानी कि नॉर इपिनेफ्रिन, और कहीं ना कहीं डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये वो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं जो आपको खुशी देने का काम करते हैं। कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे म्यूजिक को सुनते हैं, अपने मनपसंद म्यूजिक को सुनते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। आप कोई अपने मनपसंद मूवी को देखते हैं, अपने मनपसंद गेम को खेलते हैं, तो आप ऑक्सीटोसिन को रिलीज करते हैं, और इन्हीं चीजों की कमी के कारण आपकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रेस में चली गई है और ये हैप्पीनेस हार्मोन दूर होते चले जा रहे हैं, और इनकी वजह से आप बीपी और डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कारण आपके ऑक्सीजन लेवल का भी है, यानी कि हमारी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ती चली जा रही है। एक सामान्य व्यक्ति की जो ब्रीदिंग रेट है वो 1 मिनट में 15 होनी चाहिए, यानी कि आप 1 मिनट में 15 श्वास ले रहे हैं तो आपका लंग्स बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। वहीं पर आप डिप्रेशन के पेशेंट को, वहीं पर आप स्ट्रेस के पेशेंट को, वहीं पर आप जॉइंट्स पेन के पेशेंट को देखेंगे तो उनकी ब्रीदिंग रेट बढ़ चुकी है, वो 1 मिनट में कम से कम 17 से 20 श्वासें ले रहे हैं, और इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसके पीछे जिम्मेदार है। हमें उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, हमें उस रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करने की जरूरत है जहां आपकी ब्रीदिंग रेट 1 मिनट में 15 पहुंच जाए। तो उसके लिए हम लंग्स के सिस्टम पर काम करते हैं। न्यूरोथेरेपी में हमारा लंग्स का पॉइंट है, हमारी न्यूरोथेरेपी में ऑक्सीजन फार्मूला है, और गुरुजी ने इस ऑक्सीजन फार्मूले को डंके की चोट पर प्रूफ करके दिखाया कि हम इस ऑक्सीजन फार्मूले से किसी के भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कई बार बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीमीटर्स के माध्यम से ट्रीटमेंट से पहले ऑक्सीजन का लेवल चेक किया है, ट्रीटमेंट के बाद में ऑक्सीजन का लेवल चेक किया है, और इस ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के साथ में हमने पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया। यहां पर पूरा ऑक्सीजन लेवल फॉर्मूला समझाना या सिखाना बहुत लंबी बात है, ये हम कोर्सेज के दौरान सिखाते हैं। जो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं उनको हम पूरा ऑक्सीजन का फॉर्मूला लॉजिकली पॉइंट्स के हिसाब से बारीक के तरीके से सिखाते हैं, और हम बताते हैं कि हम कैसे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक कर सकते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम से होने वाली बीमारियों पर कैसे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑक्सीजन फॉर्मूले में एक पॉइंट जो आता है, हमारा चेस्ट का पॉइंट, उस पॉइंट को हम कैसे स्टिमुलेट करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हमें डिप्रेशन या स्ट्रेस है तो हमारे किन हिस्से में पेन होगा। आइए देखते हैं कि हम ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस के दौरान हमें कहां पेन होगा। सबसे पहले पेशेंट को आप सीधे लेटा दीजिए, उसके बाद ये जो सेंटर का पॉइंट है, आप इस सेंटर के पॉइंट को, इस सेंटर के पॉइंट को अपने अंगूठे से प्रेस करिए, इस तरीके से सेंटर के पॉइंट को प्रेस करिए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पॉइंट प्रेस करने में, यानी कि जब आप इस यहाँ प्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेशेंट को पेन जरूर आएगा अगर वो स्ट्रेस में है। तो यहाँ आपने चेक करना है, यहाँ देखना है कि उनको कहीं ना कहीं पेन है या नहीं है। मैंने बहुत सारी फीमेल्स को या बहुत सारे जेंट्स को जब मैं सेंटर पॉइंट में दोनों निप्पल्स के बीचों बीच जब मैं चेक प्रेस करता हूँ तो वहाँ पर मैंने कई बार महसूस किया है कि उनको यहाँ पेन है।
और उस समय पर मैं ये भी बताता हूं कि अगर हम इसको अंगूठे से या हथेली से 6 सेकंड का प्रेस करें और रिलैक्स करें, फिर 6 सेकंड का प्रेस करें, फिर रिलैक्स करें, फिर 6 सेकंड का प्रेस करें, अगर हम इस तरीके से करते हैं कम से कम 6 बार करिए, आप देखेंगे कि आपकी ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा इंप्रूव होती है। और इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे